अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुल्फ़ा जहान। आज बहुत दिनों के बाद कुछ खास रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो है चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको बताने वाली हूँ कैसे चिकन नगेट्स हम प्रिपेयर करेंगे, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी जिससे हम इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए। इसके लिए सबसे पहले 1/2 kg बोनलेस चिकन लेंगे। सबसे पहले बोनलेस चिकन को हम ग्राइंडर के बड़े जार में ग्राइंड करने के लिए लेंगे। उसके साथ एक मुट्ठी मिंट लीफ और एक मीडियम साइज के प्याज ऐसे रफली काट के, एक मुट्ठी धनिया के पत्ते, ये सब साथ में हम बहुत ही फाइन ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि चिकन नगेट्स के लिए फाइन ग्राइंड ही सबसे बेस्ट है। इस तरह से बनके तैयार होगा। उसके बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले लेंगे 1 teaspoon ग्रीन चिली, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon क्यूमिन पाउडर, 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/4 teaspoon ऑफ चाट मसाला, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon गार्लिक पेस्ट एंड 1 teaspoon जिंजर पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार और कॉर्नफ्लोर इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखें इसमें बाइंडिंग एजेंट बहुत ज़्यादा ना दें, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे। एक लिमिट में देके इसको अच्छे से डो बना ले, बहुत अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद इसके लिए हम एक फॉइल पेपर रेडी करेंगे, क्योंकि इसको शेप देना है तो फॉइल पेपर में तेल से इसको ग्रीस कर लेंगे, बहुत बढ़िया से फैला लेंगे। इसके बाद सबसे पहले मैं जो नगेट्स की तैयारी कर रही हूँ इसमें मैं बीच में चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मोज़रेला चीज़ हो वो भी और मज़ेदार होता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मुझे वैसे ज़्यादा फैटी चीज़ें मैं अवॉइड ही करती हूँ। आप लोगों ने देखा हुआ है मलाई, क्रीम, चीज़, ये सब मैं बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ मेरे रेसिपीज़ में। तो इसमें भी मैं, लेकिन एक वैरायटी देने के लिए मैं बीच में इसमें चीज़ दे रही हूँ। आप चाहे तो और ज़्यादा भी चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ बीच में देके इसको मैं ऊपर से और ये पेस्ट देके, मिक्सचर देके मैं इसको कवर अप कर रही हूँ, बढ़िया से इसका शेप बना रही हूँ। ये बनेगा आपका चीज़ी चिकन नगेट्स। और जो एक सिंपल नगेट्स होता है उसके लिए इसके बाद का तैयारी है। तरह से बढ़िया करके सेट करने के बाद हम इसको फ्रीजर में 1 या 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद निकाल के इसको मनपसंद शेप से काट लेंगे। अगर आपके पास कोई मोल्ड है इसको बहुत ही सुंदर सुंदर शेप देने के लिए तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह से काट के मैंने सारे रेडी कर दिए।
सारे ग्रीन चीज़ें इस्तेमाल किए तो इतना सुंदर लग रहा है, देखने में मज़ेदार लग रहा है। इसके बाद आएगा इसका कोटिंग की बारी। कोटिंग के लिए मैंने अंडा फेंट लिया है, एक कटोरी में अंडा फेंट लिया है, और ब्रेड क्रम का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। ब्रेड क्रम को इस तरह से एक छोटा सा डब्बा में ले लिया, लेके इसको मैं कोटिंग करूँगी बहुत ही बढ़िया से। इसको पहले अंडा में इसको डुबा के फिर इसके अंदर देखिए इसको शेक कर दूँगी, तो ये बढ़िया से कोटिंग हो जाएगा। तो अगर आपको प्रिजर्व करना है ज़्यादा दिन के लिए, तो आप इस तरह से पहले कोटिंग करके सारे नगेट्स को कोटिंग कर लीजिए, उसके बाद इसको तेल में फ्राई करें, मतलब 50% नहीं, 50% से भी थोड़ा कम, 30-40% तक पक जाए। इस तरह से पका के उसको ठंडा होने के बाद एक जिप लॉक पैकेट में बढ़िया करके इसको आप फ्रीजर में रख के बहुत दिन चला सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही 1 वीक के लिए रखना है, तो आप बिना कोटिंग किए बढ़िया से एक ऐसे छोटे डब्बे में करके आप रख सकते हैं। मैंने मेरे ज़रूरत के हिसाब से मैं जितना इस्तेमाल करने वाली हूँ, मतलब जितना खाने वाली हूँ, उतना मैंने कोटिंग कर लिया है। अब इसको बाकी जो मेरा था उसको मैं, क्योंकि ज़्यादा ये इतना मतलब हम लोग पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैं कोटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही रख रही हूँ एक छोटे से डब्बे में। इसको मानिए हर शाम को हमको स्नैक्स के तौर पे इसको खाने वाले हैं चाय के साथ, इसलिए मैं इसको कोटिंग नहीं कर रही हूँ। जब मैं फ्राई करूँगी तभी डायरेक्टली कोटिंग करके इसको फ्राई कर दूँगी, इस तरह से फ्रिज में रख दूँगी। तो मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ। तेल, जैसे कि इसके तेल के बारे में पहले ही मैंने बताया, फ्राई करने वाली चीज़ों को पहले तेल बहुत अच्छे से गर्म करके इसको फिर सिम कर दे, ताकि उसमें एक स्टेबिलिटी आए और जो फ्राई करेंगे वो जले ना। और एकदम पूरा गरम तेल में हम देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर से पक जाएगा, ऊपर से पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन अंदर ये हो सकता है कच्चा रह जाए। तो अभी फ्राई करने वाली हूँ, एकदम डीप फ्राई, मतलब गोल्डन कलर आने तक, इसका क्रिस्पीनेस तक फ्राई करूँगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं चीजी चिकन नगेट्स को फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद जो सिंपल नगेट्स है वो फ्राई करूँगी। ये बन के तैयार है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चिकन नगेट्स, जो मार्केट में भी अवेलेबल होता है वो भी टेस्टी होते हैं, लेकिन आप अगर खुद प्रिपेयर करके
इतना इजी स्टेप्स में आप खुद प्रिपेयर करके अगर अपने हाथों का खाएंगे आपको कितना मज़ा आएगा। तो ये मेरा जो सिंपल स्टेप वाला चिकन नगेट्स, आप भी ट्राई करें, इन्जॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए, टिप्स के लिए और बहुत सारी टॉपिक के ऊपर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।